क्योंकि खुद भी एक सितारे हैं। ध्रुव तारे के प्रकाश में ये भी उस आलोकमान के गाने इतनी तकलीफों से और इतनी हिम्मत से हम लोगों को ये मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि कम से कम खजुराहो के वो पत्रकार, वो जागरूक वर्ग जो आज यहां पर है, इनको तालियां बजा के इनको दिल से एहसान चुका रहे, इनको आभार व्यक्त करें। 8 घंटे की यात्रा करके ये आए हैं और आप सोचिए कि मैं झूठा हुआ, मुझसे कहा गया था कि 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरी झूठ पकड़ी गई, वो 8 घंटे में पहुंचे हैं। अब ये गालियां ना दें, इसलिए बेहतर है कि आप इनको इतना प्यार करें, इतना सम्मान दें। और बीच में नहीं रहूँगा शक्तिदा और आप लोगों के, ये आपके बीच में हैं, आपके अपने कलाकार हैं, इनका लंबा कैरियर है अपनी कला से जुड़ा हुआ और जनता से जुड़ा हुआ। एक बार फिर से खजुराहो की जनता की ओर से, इस खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की ओर से मैं आपको दिल से आभार करता हूँ, आपने आके हमें चित्तार्थ किया। खजुराहो के जितने भी मेरे मित्र सामने बैठे हैं, थोड़ी ठंड है और लेकिन दिल की भावना ठंड से ऊपर है। हम तो ठंड में 8 घंटे हिलते झूलते हैं। मेरे मित्र हैं राजा जी, इनका प्यार 8 घंटे क्या 8 साल भी लग जाते तो इनके पास तो पहुंचना ही था। और खजुराहो एक ऐसी धरती है जहाँ पे तमाम दुनिया के हर प्रेमी, हर प्रेमिका, हर टूरिस्ट उसका दिल होता है कि जब हिंदुस्तान जाए तो खजुराहो तो ज़रूर जाना है। बहुत अच्छी बात है, आज 6ठा साल है इनका फिल्म फेस्टिवल का। मुझसे कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों को मोटी बात समझ में नहीं आती है कि राजा मुंडेला की भावना क्या है इस फिल्म फेस्टिवल के पीछे। उनकी भावना ये है कि तमाम मुल्कों की, तमाम देशों की फिल्में यहाँ पे लाई जाए और इसी बहाने तमाम एम्बेसडर अलग अलग शहरों से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर आए और ये फिल्म फेस्टिवल में अपना योगदान दें और इसी बहाने फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए यहाँ की जो टूरिज्म में फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा पड़ता है। और वो खजुराहो के जितने भी यहाँ के निवासी हैं उनके घर बार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इनडायरेक्टली ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ की टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा कदम है। राजा बुंदेला जी के ताली बजाइए, जोरदार बजाइए, सुनाई नहीं दे रहा है, जेब से हाथ निकालिए और जिस जिसने शॉल के नीचे दारू का गिलास रखा है वो बाहर निकाल लिया। कसूर दारू का नहीं है। देखिए राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। हमारी दोस्ती राजा बुंदेला की और हमारी 35 या 40 साल तो हो ही गए हैं। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन इनका एक सोच थी कि एक्टर तो माल कमाता है, पर्दे पे एक्टिंग करता है, कैमरे के सामने एक्टिंग करता है, लेकिन मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो राजा बुंदेला ने काफ़ी कुछ त्याग कर सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए कदम रखा कि इस देश के लिए और आपके इस इलाके के लिए कुछ कर सके, और वो कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी बहुत बड़ी कलाकार है सुष्मिता जी, ये मियाँ बीबी बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ इनके प्यार की वजह से, इनकी मेहनत देखकर मैं इधर आया हूँ। और आप लोग बहुत लकी हैं कि राजा बुंदेला इस शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। छोटी छोटी टाकीज हैं, छोटे छोटे थिएटर खोले हैं जहाँ पे तमाम फिल्में चलेंगी और ये फेस्टिवल चलता रहेगा। आज 6 साल हुए हैं, अगले साल 7। और मुझे बोले कि ये फेस्टिवल कैसा चल रहा है, मैंने कहा देखो भैया 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, इसको तो अभी 6 साल हुए हैं।
7-8 साल में देखना ये फेस्टिवल कहाँ से कहाँ पहुँचता है। और आप सब लोगों का प्यार है, ये तमाम मेहरबान लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ फॉरेन लड़की भी बैठी, बहुत हसीना है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। आई एम सेइंग यू आर अ वेरी प्रीटी गर्ल सिटिंग हियर एंड वी आर वेरी प्राउड दैट फॉरेन डेलीगेट्स हैव कम हियर एंड आई रियली अप्रिशिएट that your films, I think Czech's film, are going to be shown here in this festival. And jitne sadhu sant baithe hain, sabko mera namaskar hai. Mahan hai aap, mahan hai aap. Oh, kamaal hai. Aap logon ka aashirwad hai, hamare mitra. Inko aashirwad dete rahiye. Corona se hamari industry ne bahut kuch khoya hai. Aur main bahut khush hu jab main yahan pe ghusa, andar aaya. तो जितने लोग हमें छोड़ के चले गए हैं उनकी तमाम तस्वीरें, राजा कहाँ हैं आप मेरे पास आ जाइए, थोड़ा डिस्टेंस रख लेंगे। आई रियली अप्रिशिएट दैट यू ऑनरिंग ऑल द पीपल हु आर नो मोर विद अस। दे टोल्ड मी कि वी लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल और उनके लिए आप लोग वेरी प्राउड फॉर ऑल योर वर्क यू गाइस डू। सर ये स्टारडम देख चुके हैं, पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, टीवी के प्रोग्राम डायरेक्ट कर चुके हैं और उसके बावजूद आप लोगों की सेवा के लिए काफ़ी कुछ त्याग कर ये आपके पास खड़े हैं। चाहते हैं कि खजुराहो को आगे बढ़ाएं, बड़े बड़े थिएटर खोलें। और किसी ने मुझे बोला था कि T20 के क्रिकेट मैच हर जगह हो जाते हैं, खजुराहो में क्यों नहीं होते हैं? मैं कह राजा आ गया, देखना T20 के क्रिकेट मैच भी यहाँ पे ज़रूर होंगे, बड़े बड़े मैच होंगे, बहुत आगे लेके जाएगा खजुराहो को। टूरिज्म तो है ही, उसके बाद तमाम यहाँ की जो जनता है, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, अस्पताल, स्कूल, ये सब चीज़ें जो एक सपना था सब पूर्ण होगा, पूरा होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर फेस्टिवल। God bless all and all the best to the media. I love you all. I love Khajuraho. Au! Sari duniya to janti hai main kitna sharif aadmi hu. So I wish you guys all the best. Thank you. Thank you, Raja. Shakti da yahi ruke, main mahanton se binti karunga ke Shakti ji ko aashish vachan dein, shawl, sharifal leke aaiye. Aaye sab log aaye ek baar. क्योंकि इनको 8.5 घंटे चल के आए और सुबह 8.5 घंटे फिर जाना है। क्या जिंदगी, ये सारी कहानी घंटों की है। धनम धान्यम यानम बहुयश्लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। खजुराहो में तालियों की कभी कभी नहीं थी, आज कैसे, और वो भी शक्ति जी के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शक्ति शक्ति कपूर जी का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री खयाली जी से कि वे भी समक्ष में आए। श्री खयाली जी का शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र से उन्हें सम्मानित करना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज। उसी फर्ज को हमारे सम्मानित पूजनीय महंतों के कर कमलों से श्री खयाली सहारन जी। मैं
निवेदन करना चाहता हूँ श्री नरेंद्र सिंह परमार जी रिटायर्ड, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री नरेंद्र सिंह परमार जी, तिवारी जी मौजूद हैं, वे भी